ये सुंदर सुंदर रास्ता जो बना हुआ है, ये बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जाता रास्ता है। रास्ते के दोनों साइड पे सब स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आप सब किचन, भगवान के फोटो, माला, रुद्राक्ष ये सब खरीद सकते हैं। और देखो, ये बद्रीनाथ धाम में आज सुबह का जो वातावरण है, ये मैं आप बोल रहा था कि ऐसे ये गरम गरम स्टॉल, गरम कपड़े के स्टॉल आ जाएंगे, जहाँ आप गरम कपड़े आप खरीद सकते हैं। यहाँ काफ़ी सस्ते दाम पे अपने को गरम कपड़े मिल रहे है ना। आज बद्रीनाथ धाम में सुबह में माइनस तापमान चल रहा है। देखो ये जो लोकल लोग हैं, दुकान वाले लोग हैं, ये जो दुकान सब लगाते हैं, वो लोग ने इधर तापनी करके रखा है। मैं भी उनके साथ बैठ गया है ना, उनको भी काफ़ी मज़ा आ गया। ये एक हमारा प्लस पॉइंट है कि हम यहाँ पे किसी को भी बोलते हैं कि हम गुजरात से आए हैं। यहाँ काफ़ी मान सम्मान है गुजरातियों को, मारवाड़ियों को, मारवाड़ी और गुजरातियों को दोनों को काफ़ी मान सम्मान है। देखो आगे बद्रीनाथ धाम की मंदिर की तरफ चलते हुए ये दोनों रोड के साइड पे आपको ऐसे स्टॉल मिल जाते हैं, उसमें आप खरीदी कर सकते हैं। यही चार धाम में से यही धाम है, इसमें हम सबको टाइम मिलता है। और बद्रीनाथ धाम में ना काफ़ी गुजरातियों की होटल धर्मशाला है। ये देखो, ये गुजरात भवन करके धर्मशाला है। और आगे आगे थोड़ा ही चल के ना, इसके सामने ही ये जो बड़ी धर्मशाला है ना, ये जय जलाराम धर्मशाला है। जो जय जलाराम हमारे वीरपुर के जो देव है, उनकी यहाँ बद्रीनाथ धाम में धर्मशाला बनी हुई है। एक मानव कल्याण आश्रम है, इसमें भी आपको ये देखो अहमदाबाद लिखा हुआ आएगा, यानी गुजरात से यहाँ आजू बाजू के काफ़ी धर्मशाला मिल जाते हैं। और बस यहीं से ये लास्ट मोड़ आ गया मंदिर जाने के लिए, तो यहीं से भगवान बद्रीनाथ के मंदिर के यहीं से दर्शन हो जाते हैं। तब तो क्या बोलूँ कि हमारी बद्रीनाथ धाम की इतनी सुंदर मंदिर के दर्शन होते ही हमारी आंखें भिन्न भिन्न हो जाती है, हमारी आंखों में से आंसू बह जाते हैं। ये खुशी के आंसू है, ये दर्शन करने के आंसू है। तो इस प्रकार है कि मंदिर इतनी सुंदर कलात्मक बना हुआ है ना, इसको देख के हमारे आंखों में से आंसू निकल आते हैं। ये नीचे उतर के रास्ता मंदिर की तरफ जा रहा है, ये रास्ता। जय बद्रीनाथ धाम, जय बद्री विशाल। आप दर्शन करिए और भगवान को प्रणाम करिए, भगवान के दर्शन करिए, ना बोलिए जय बद्री विशाल। ये अलकनंदा नदी है और ये गर्म तप्त कुंड है, इसमें स्नान करके